स्वामी जी, दूसरा प्रश्न मेरे मन में है कि मन का निग्रह कैसे हो सकता है? यदि मनुष्य विचार कर ले कि जो पालन करता है वही स्वामी होता है, शरीर के अंदर स्थित इंद्रियां इंद्रिय देवताओं के द्वारा प्रकाशित होती हैं और इंद्रिय देवताओं के प्रकाशक है जीवात्मा, और जीवात्मा के भी प्रकाशक है परम तत्व श्री राम जी। यह भाव उत्पन्न कर ले कि यह शरीर की सक्रियता मात्र परम तत्व के कारण है, अर्थात वे ही स्वामी है और यह शरीर मात्र सेवक है। यह भाव उत्पन्न होते ही मन निगृहित हो जाएगा। जय श्री राम। और एक बड़ी विशेष प्रश्न है कि आप औषधि जैव रसायन क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर औषधि आविष्कार के क्षेत्र में विशेष सेवा दे चुके हैं। सभी 48,404 जीन्स का विश्लेषण भी कर चुके हैं। लीवर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के अणु का खोज भी कर चुके हैं। CSIR भारतीय मूल के विदेशी वैज्ञानिकों की श्रेणी में पूर्व वैज्ञानिक के रूप में रैंक नंबर 1 का जगह देकर सम्मानित भी किया गया है आपको। विलक्षण वैज्ञानिक डायरेक्टर प्रेसिडेंट के रूप में भी आपने जन कल्याण के लिए सेवा दी है। आखिर संसारिक विज्ञान का त्याग आपने क्यों किया? जय श्री राम। मित्र करण जी एवं संसार जगत के समस्त निवासियों, मनुष्य का शरीर सूत्रों के द्वारा नियंत्रित होता है एवं वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है, यानी ह्यूमन बॉडी इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड इन्वायरमेंटली मॉडुलेटेड। सांसारिक विज्ञान के दौरान जो भी यह सब शोध हुए वह सत्य व्रत पर ही आधारित है। जब पता लगा कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी प्रचंड मानसिक रोग से ग्रसित है और उस ज्ञान का प्रकाशन भी सेवा करने के लिए अमेरिका के अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को दिए, शोध पत्र अध्यात्म आयुर्वेदा आधुनिक योग एवं विज्ञान के द्वारा स्वास्थ्य एवं शांति 15 मई 2014 को प्रकाशित होता है। तत्पश्चात इस शरीर को नोबेल वैज्ञानिकों के अनुरोध पर विश्व का वह मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया, यानी चीफ एडिटर ऑफ अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। मुख्य रूप से धरती से मानसिक रोगों को दूर करने के लिए एवं सतयुग की स्थापना के लिए, किंतु अज्ञान एवं लोभ से ग्रसित संसार जगत का एक भी प्राणी सन्मुख नहीं हुआ। अतएव सांसारिक विज्ञान जगत सहित पूर्ण रूप से सेवानिवृत्ति ले लिया, क्योंकि बिना मानसिक शुद्धि के पवित्र कर्म संभव ही नहीं है। और आज धरती पर लोभ और मोह से एक भी व्यक्ति
खाली नहीं है। तो यह चरित्र देखकर समझकर प्रेरणा प्राप्त होगी और लोग जो है प्रेरित होकर आदर्श मानव धर्म की ओर अग्रसर होंगे और यह सब ईश्वर की विशेष प्रेरणा से ही हुआ। और विशेष रूप से जहाँ तक सांसारिक विज्ञान से मुक्ति की बात है, वापस लौटने पर भारत में कई जगह पर लेक्चर दिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 5 जगह लेक्चर दिया, वाइस चांसलर प्रोफेसर लालजी सिंह से मुलाकात होती है, किंतु लोगों ने रिकॉग्निशन भी नहीं दिया तो प्रेरणा प्राप्त हुई और सांसारिक विज्ञान जगत से संन्यास ले लिया। जय श्री राम। अच्छा, यदि संसार जगत आपका सहयोग चाहेगा तो आप कौन सा स्थान चाहेंगे और क्यों? अब संसार जगत का सेवा करने के लिए मुझे किसी भी स्थान की आवश्यकता नहीं है, अर्थात संसार जगत में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसके लिए अपने पास कोई भी इच्छा हो। हाँ, विश्व सन्मुख हो तो अवश्य आत्मशुद्धि का विज्ञान यानी कॉन्साइंस के फाउंडेशन के लिए बिना किसी स्थान के नेतृत्व कर सकता हो, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि के बाद ही वास्तविक विज्ञान का प्रारंभ होता है जो कि विश्व के लिए परम आवश्यक है। और इस शरीर के बुद्धि के पास समस्त मानसिक रोगों के निदान के लिए आवश्यक उपकरण और औषधि उपलब्ध है, विश्व सन्मुख होगा तो उसे दे दिया जाएगा जन परम कल्याण के लिए, लेकिन किसी स्थान को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नीति होती है कि इस धरती पर ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कि किसी स्थान को पाने पर मद न आए यानी अभिमान न आए। प्रमाण के लिए कोवस जग जन मानाही अप्रभुता पाई जाही मद नाही, यानी किसी स्थान को प्राप्त होने से अभिमान जैसा मानसिक रोग मानसिक विकृति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि किसी स्थान को न ग्रहण करने का दृढ़ संकल्प ले चुका हो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, माता भुवनेश्वरी देवी कहाँ की हैं और इनकी वाणी सुनकर आपको अनुभव हुआ कि आप उनके आध्यात्मिक पति हैं, क्या आप बताएंगे कि आध्यात्मिक पति क्या होता है? दरअसल इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वह प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सुपकार जी की जीवात्मा है और बाणी भी उसी आत्मा के स्थित होने के कारण निकल रही है। तो मेरा अपना पुराना शरीर 13 नवंबर 2008 को ही छूट गया था
तो जीवात्मा ही बचा जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में रहा, और इस शरीर में आने के बाद उनको अनुभव है कि शरीर का जो भाव है वह प्रकाश जी का ही भाव है। तो शादी के डॉक्यूमेंट पर इस शरीर के माध्यम से मैंने साइन करके भी दे दिया, तो श्रद्धा एवं विश्वास रूपी पति पत्नी के रूप में हम 3 वर्षों तक साथ में रहे हैं, और कुछ सामाजिक अड़चन के कारण मुझे बाहर रहना पड़ रहा है, जो कि अंतिम श्वास तक का व्रत हो गया है। तो आध्यात्मिक पत्नी का अर्थ यही है कि श्रद्धा स्वरूप पत्नी, जिनके अंदर वासना का भाव एक क्षण के लिए भी शरीर में न हो, जबकि जीवात्मा उनके पति की ही हो, तो इस अवस्था में वो आध्यात्मिक पत्नी ही है। इस बात का भेद जब तक नहीं खुलेगा तब तक उनको दर्शन का भी नीति नहीं कहता है। तो आध्यात्मिक पत्नी के रूप में है, पड़ी है अपना वही भुवनेश्वर में, क्या कहेंगे। और मेरा नारी शरीर से कुछ लेना देना है नहीं, यहाँ तक कि उनकी पवित्रता को स्थापित करने हेतु और शंका रूपी सर्पिणी का विष निकालने हेतु सांसारिक नारी की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि पार्वती राधा लक्ष्मी आदि सबका त्याग परित्याग कर मैं बैकुंठ के बाहर आनंद सागर में स्थिर हूँ। शरीर धरती पर है। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी, गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है, ऐसा क्यों? बहुत ही उत्तम प्रश्न है। ईश्वर तो अमल होते हैं, उनके अंदर कोई मल नहीं होता। मनुष्य शरीर यह अति अधर्मी होता है, ऐसा मनुष्य शरीरधारी जो इंद्रियों को वश में कर ले, मन का निग्रह करके नारायण स्वरूप धारण कर ले, तो सम्मान उनको अवश्य ज्यादा देना उचित है, यह ईश्वर का सम्मान है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपड़ो गोविंद दियो बताए। यह ईश्वर का मात्र सम्मान ही है। इस सम्मान में कोई भी मनुष्य शरीरधारी किसी अभिमान का अनुभव न करें। वास्तव में भगवान शंकर जी की वाणी है कि गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, माने परमात्मा से बड़ा तो गुरु भी नहीं है, मात्र गुरु का स्थान परमात्मा के बड़ा, परमात्मा से ही भी बड़ा, यह ईश्वर का मात्र सम्मान है, ना कि कोई व्यक्ति उनसे बड़ा है। कहते हैं स्वार्थ रहित सखा सबही के, जो सबसे बड़ा स्थान होता है वह परमपिता परमेश्वर श्री राम जी का ही है। गुरु को स्थान इसलिए देते हैं क्योंकि गुरु मन इंद्रियों को वश में करके नारायण स्वरूप प्राप्त करता है,
और मार्गदर्शन के द्वारा ईश्वर तक पहुंचाने में किसी भी जीव को सहायता करता है। यही कारण है कि कुछ जो भगवान शंकर जी से कम बुद्धि के लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रकार की वाणी दे दिया है। यह मात्र एक भाव है, परमात्मा से बढ़कर धरती का कोई भी प्राणी हो ही नहीं सकता। जय श्री राम। अच्छा, क्या क्या आज धरती पर कोई गुरु है? वर्तमान समय में एक भी प्राणी धरती पर ऐसा नहीं है जो कि सद्गुरु की भूमिका पूर्ण रूप से निभा सके, क्योंकि वह गुरु जिनकी वाणी से भ्रम एवं महाभ्रम दोनों दूर हो जाए, भ्रम यानी सांसारिक जगत नश्वर जगत से आसक्ति छूट जाए, और महाभ्रम जो कि ईश्वर में भ्रम, ईश्वर का वास्तव में अस्तित्व ही नहीं है, यह भ्रम लोगों का दूर हो जाए, तो कुछ प्राणी ऐसे अवश्य हैं, लेकिन वे मात्र कंदराओं में रहकर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन दृश्य संसार जगत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो कि सद्गुरु का भूमिका निभा सके। भगवान शंकर जी की विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई, अतएव सभी के परम कल्याण हेतु 27 दिन तक ब्रह्मलीन अवस्था में रहने के बाद किन्नर कैलाश से वापस दृश्य संसार जगत में स्वच्छंद विचरण कर रहा हूं। गुरु जी, सांसारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा में क्या अंतर है? संसार जगत की शिक्षा अज्ञान की शिक्षा है, आप करण जी एवं संसार जगत के बुद्धवर्गीय मित्रगण, आप लोग स्वतः विचार कर लें कि प्रकृति के द्वारा ही समस्त शरीर की रचना हुई है और सबके अंतःकरण में परमात्मा तत्व ही है। वास्तव में दो कोई है नहीं, फिर भी यह सांसारिक शिक्षा दो का बोध कराता है कि हम ऑफिसर हैं, आप नौकर हैं। तो श्री रामचरितमानस में साफ साफ प्रमाण है कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव कीस समान। यानी किसी भी मनुष्य के अंदर क्रोध की उत्पत्ति द्वैत बुद्धि के कारण ही होती है, और द्वैत बुद्धि अज्ञान के कारण होता है, और यह द्वैत की शिक्षा सांसारिक विद्या से प्राप्त होती है। यह भेद विद्या है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह अद्वैत यानी अभेद विद्या है, जो कि किसी जीव को शांति की ओर ले जाती है। तो जो भी मनुष्य अशांति के क्षेत्र में जाना चाहे,
उनके लिए सांसारिक विद्या है, और जो मनुष्य शांति प्राप्त करना चाहते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान में ही लीन रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी, आप लक्ष्मी, अग्नि, स्पर्श सबका त्याग कर चुके हैं। यदि आपकी तबीयत खराब हो जाए तो बिना स्पर्श के कोई कैसे आपको दवा दे सकता है? हरिओम मित्र करण जी एवं संसार जगत के सभी, तबीयत तो खराब होगा ही मित्र लोग, याद रखें जी कि मानसिक शुद्धि का यह परम प्रमाण होता है कि जिसका मन पवित्र होता है उसका शरीर अस्वस्थ हो ही नहीं सकता। प्रमाण के लिए पापे न जायते व्याधि, पापे न जायते जरा, पाप से ही रोग उत्पन्न होता है और पाप से ही वृद्धावस्था आती है। अच्छा, आज भी 1,95,000,000,000 वर्ष की आयु समाप्त हो जाने के बाद भी 3 बाल ऋषि हैं, सनत, सनंदन, सनत कुमार जी, देखिए बालक बहुकालीना, अभी भी वो बालक के रूप में है। तो आप सभी लोग जान लें कि मन के पवित्री का यह परम प्रमाण होता है कि जिसका मन पवित्र होता है उसके शरीर में व्याधि और वृद्धावस्था आ ही नहीं सकती। यह अवस्था प्राप्त हुई उसके बाद ही ये स्पर्श का त्याग हुआ है। इसलिए आप लोग बिल्कुल विश्वस्त हो कि इस शरीर को स्पर्श की आवश्यकता नहीं है जी। अच्छा, समाज के दूषित होने के, समाज के दूषित होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो लोगों का कर्म फल ही है, विषयाशक्ति के कारण अनेक अशुभ कर्म हुए हैं जिससे स्वभाव की वृत्ति दूषित हो गई है और संसार जगत में उपस्थित श्रेष्ठ पदों को धारण करने वाले शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, गुरु, फादर, मौलवी आदि जितने मार्गदर्शक हैं वे इंद्रियों से मुक्ति पाई नहीं सके, विरक्ति न पा सके, इसलिए उन लोगों ने भी गुरु महिमा का महात्म बताकर लोगों के जनमानस में कपट, दंभ एवं पाखंड का बीज बो दिए। 6 बीमारियां पहले से ही थी, लालच, वासना, क्रोध, मद, मत्सर और ममता, इसमें 3 बीमारी और आ गई, कपट, दंभ, पाखंड। 9 मिल करके झूठ, धोखा, चोरी, कप और ठगी, यह सब बीमारियां उत्पन्न कर दिए हैं। वास्तव में संसार जगत में ऐसी आवश्यकता है कि इन सब मानसिक दोषों से दूर रहकर कोई पवित्र चरित्र का परिचय दे और जनमानस को शुद्ध करे। भगवान शंकर जी की यह प्रेरणा प्राप्त हुई कि इन सब चीज से मुक्ति होने के बाद जो सदमार्ग है, विरक्ति, विवेक और ईश्वर से भक्ति युक्त, उसका ज्ञान संसार जगत के लोगों को मिले और इसलिए यह शरीर किन्नर कैलाश से वापस
संसार जगत में है। मुख्य कारण की बात आपने कही है, तो वह मात्र कपटी दंभी एवं पाखंडी मनुष्य शरीरधारियों का कपट है, जो कि आज जनमानस को वास्तविक मार्ग से बिल्कुल उथल पुथल कर रखा है। इसमें किसी जीव का दोष नहीं है, यह मात्र युग का प्रभाव है। मेरा किसी जीव से बैर भाव नहीं है मित्रों, यह युग का प्रभाव है, जिससे यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पृथ्वी पर किसी भी पद को धारण करने वाला विश्व धर्म संगठन सैन फ्रांसिस्को के अध्यक्ष से लेकर विश्व धर्म गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर मौलवी फादर धर्म परायण गुरु महान एक भी व्यक्ति इससे खाली नहीं है। यही कारण है कि इनके जो वाणी निकल रही है वो प्रभावहीन है। देश का प्रधानमंत्री तक अनीतिपूर्ण कार्य करने में जुड़ा हुआ है, ये भी युग का ही प्रभाव है। और युग के जो तीन प्रबल सेनापति हैं, लालच काम और क्रोध, ये वास्तव में उन्हीं का प्रभाव है, जिससे जनमानस उथल पुथल हो चुका है। श्रुति सेतु यानी वेद का ब्रिज यानी पुल स्थापित करने पर ही यह व्यवस्था वापस अपने वास्तविक रूप में आएगी। जय श्री राम। कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। आपका जो है गुरु कौन है? मैं एक मुक्त जीवात्मा के रूप में ही धरती पर विचरण कर रहा हूँ। रविशंकर का यह शरीर श्री रामचरितमानस का तत्व और प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा जी द्वारा प्रमाणित साधक श्री लल्लन दुबे जी सहित संपूर्ण संसार ही मेरा गुरु है, क्योंकि यह अवस्था प्राप्त करने में पूरे विश्व की ही भूमिका है। इसलिए यदि आप कहना ही चाहते हैं तो संपूर्ण संसार को गुरु ही समझे। वैसे श्री रामचरित मानस का तत्व ज्ञान ही मेरा वास्तविक गुरु है। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात और जान ले, चूंकि यह रहस्य की बातें हैं, राम अकेला गुरु न चेला। राम अकेला गुरु न चेला, वहां पर गुरु चेला का होता नहीं। हाँ, सांसारिक जगत में चूंकि आप यह बात पूछ रहे हैं, तो आप यह जरूर बता दीजिएगा कि सारा संसार ही उनका गुरु है जी। और सांसारिक प्रश्न है और ये मात्र सबके सेवक है जी। और अगला जो है कि आज के गुरु कपट की मिलावट कहाँ और कैसे कर रहे हैं? ये जो आज के गुरु हैं, ये कपट और जो है कपट का मिलावट कैसे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? वास्तव में भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, इंद्रियों से आसक्ति समाप्त न कर पाने के कारण आज के गुरु विरक्ति विवेक और भक्ति युक्त मार्ग देने में असमर्थ हैं। जब वह विरक्ति की बात कहेंगे तो उनको
मन के अंदर यह बात अच्छे से पता है कि जो भक्त लोग इतने प्रेम से बाणी सुनते हैं गुरुओं की, वे कहेंगे कि आप ही जब किला पर रहेंगे और गाड़ी से घूमेंगे तो यह विरक्ति आपको अभी कैसे सकते हैं। तो इसके कारण वह कपट की बीज यानी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, जहां गुरु का अपमान सुने वहां पर कान बंद कर लें, फोटो ले जाएं, पूजा करें, कल्याण हो जाएगा, यही सब कपट की शुरुआत कर रखे हैं ऐसे लोग। कल्पों तक रौरव नामक नरक के गामी होते हैं। जन परम कल्याण के लिए यह बात डालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर ही शिष्य धन शोक न हर ही अशोक गुरु घोर नरक मह परई, यह भगवान शंकर जी की वाणी है। और यह वाणी यदि ऐसे गुरु के कानों तक भी पहुंच जाए तो हाथ जोड़कर विनती करके माफी मांग ले, और जो भी कपट दम्भ पाखंड का बीज बोकर संसार जगत को अशांत अपवित्र और रोगी बना दिए हैं, उन्हीं लोगों से याचना करें कि वो वास्तव में अपने निजी वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म को धारण करेंगे। वह सब कार्य मात्र लोक मान्यता एवं पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बीमारी के कारण लोगों ने किया है, जबकि वास्तव में वे एक दंभी हैं। ऐसा स्वतः वे लोग स्वीकार करेंगे, तभी जाके जनमानस अपने वास्तविक रूप में आएगी। जी स्वामी जी, संक्षेप में बताइए कि आखिर मनुष्य कैसे जीवन जिए कि उसे राजनीति, उसे शांति व भगवान की भक्ति प्राप्त हो। मतलब ऐसे किस टाइप से मनुष्य जिए कि उसे शांति व भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम यह विचार करते हुए कि शरीर की संवेदनाएं मात्र परम तत्व के कारण ही है, तो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री अल्लाह जी, श्री जीसस जी, बुद्धा जी, गुरु गोविंद सिंह जी, जो जिसको भी अपना इष्ट देव मानता है उसको स्वामी और स्वतः शरीर को सेवक मानकर मात्र निष्काम सेवा देने का संकल्प ले। और यहाँ पर गुण रहस्य यह है कि वास्तव में ये जितने भी ईश्वर के नाम हैं उसमें कोई भेद है ही नहीं, वो वास्तव में एक हैं, मात्र उनके रूप अनेक हैं, वे एक ही हैं। इस धरती पर वह कोई भी व्यक्ति जो कि इनमें भेद करता हो, सर्वप्रथम तो जनमानस को यह समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति मात्र दंभी, कपटी एवं पाखंडी होगा, जो कि परम तत्व में भी भेद बता दे हुए तो अभेद हैं। तो उनको स्वामी और स्वतः को सेवक मान ले और यह जान ले कि उनको चाहिए परम पवित्र प्रेम, जिसके लिए संसार जगत में जितने संबंध हैं वे सभी पवित्र प्रेम के साधन हैं। प्रमाण के लिए धरती का कोई भी मनुष्य विचार कर सकता है कि माँ को पत्नी के रूप में, या पत्नी को बहन के रूप में, या बहन को पत्नी के रूप में, किसी भी एक शरीर को दो भाव से प्रेम करना संभव ही नहीं है। ऐसा विचार कर कि अपनी ही कमी के कारण
यह लोभ वासना घमंड जलन ममता कपट दंभ पाखंड झूठ धोखा चोरी इत्यादि अनेक दुष्ट शक्तियां मानसिक पटल पर आ चुकी हैं, जिसमें लोभ का मिलावट प्रचंड हो चुका है। पवित्र प्रेम के लिए निष्काम भाव चाहिए और एक भाव के अलावा दूसरे भाव की मिलावट से पवित्रता प्रदूषित हो जाएगी। निष्काम भाव से बिना झूठ बोले सेवा देने से और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने से मनुष्य को वैराग्य और भक्ति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। और लास्ट में कुछ पूछना चाहेंगे कि राजनीति क्या है? सखा राजनीत इतनोई जिमी मन बीच मनोरथ गोई। राजनीति मात्र एक संक्षेप में इतना ही है, जैसे मन के अंदर मनोरथ होता है। धरती पर ऐसा व्यक्ति जो कि अपने राज्य के सभी जनता को अपने पुत्र और पत्नी से भी बढ़कर खुशी देने का मनोरथ रखे, जैसा कि भगवान श्री राम जी अपने चरित्र में दिखा चुके हैं, और एक सच्चा सेवक बन के मात्र उनकी सेवा करे, इतना ही है। और दो लाइन अगर और कह सकूं तो मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाल ही पोस ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी राजनेता मात्र इतना ही समझे कि वो मुख के समान है, जो कि सबसे कर तो वसूल करते हैं, लेकिन विवेक के साथ मुख की तरह कि मुख तो अकेले ही खाता है लेकिन सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तो यही है नीति। आज यह नीति पूर्ण रूप से कपट नीति में व्याप्त हो चुकी है। अब इस संसार जगत की तरफ देखने का भी स्थान विश्व के कपटियों ने नहीं छोड़ा, नहीं तो 27 जुलाई 2014 को ही मानसिक रोगों का जड़ से उन्मूलन एवं सतयुग की स्थापना के लिए धरती का मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया, लेकिन ये कोई भी एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विश्व धर्म गुरु शंकराचार्य महंत आदि ये सब कोई सन्मुख ही नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में सभी मनुष्य शरीरधारी मात्र कलयुग के प्रभाव से लोभ एवं अज्ञान की दास्ता करने पर मजबूर हैं। प्रेरणा प्राप्त हो जाए, यदि संसार जगत का कोई भी आंशिक विवेकधारी व्यक्ति सन्मुख होगा तो मार्गदर्शन अवश्य दे दिया जाएगा। तो राजनीति मात्र एक, जैसे मन के बीच में मनोरथ छुपा रहता है, उतना ही इसका तत्व ज्ञान है। इसके अलावा अन्य सभी मात्र कपट नीति है, जिससे पूरा संपूर्ण विश्व ही जकड़ा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं गुरु जी के वाणी से मन पवित्र करके और एक साधक के रूप में उस स्थान तक पहुंच गया हूं, और मैं संसार के सभी जन जगत के सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस जिस
लोगों के पास यह वाणी पहुंचे, वह इनको विशेष गंभीरता से सुने और मन को शुद्धि कर सभी विकारों को निकाल के इस पर विशेष चर्चा करके अपनी धरती माता को प्रलय से बचाएं, नहीं तो प्रलय नजदीक है और पाप अधिक बढ़ रहा है। सब लोग अपने हृदय में इस बात को बड़ी गहराई से सोचें और मन की गुलामी छोड़कर केवल जीवात्मा की प्रेरणा से ही कार्य करें। यही मेरी विनम्र निवेदन है सभी संसार जगत से। जय श्री राम, जय श्री राम। और अगर किसी भी श्रद्धालु भाव, अगर किसी के भी अंदर आए भाव, भक्ति की भाव, या जो हमारे समक्ष सिद्ध महात्मा पुरुष जी बैठे हैं उनसे मिलना चाहे, तो मेरा संपर्क नंबर नोट करें और मुझे संपर्क करने पर उनका दर्शन हो जाएगा। मेरा संपर्क नंबर है 9670210782। नाम साधक करण। जय श्री राम, जय श्री राम।